दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती, एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की, प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद, और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और यहाँ आके उपदेश दे रहे हैं। हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ज़्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर हुई, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होने वाली भर्ती हो, पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, SC वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के परिवार, छत्तीस बिरादरी के गरीब, BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। और हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पे और छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज़्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेकर जाने की लड़ाई, और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी सरकार को नकार चुके हैं।